नेक्स्ट डायग्राम आपका देखो क्या है, रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का। तो फर्स्ट वाला हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकंड हम देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इंफिनिटी, दैट मीन्स इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन, वी कैन राइट इट एज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको और हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ, बियॉन्ड सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वी विल राइट इट एज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर है, वी नो दैट कॉनकेव मिरर इज कैसा, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है यहां पर, आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे यहां पर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। 5 सेंटीमीटर का आप या 6 सेंटीमीटर आपकी मर्जी है, वो लेके आपको एक हल्का सा आर्क बनाना है लाइक दिस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। जब आर्क बनाया था तो देयर इज अ सेंटर, सेंटर पॉइंट भी आपका होगा एक, तो वहां से आप एक बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर पोल, पी पोल। ये जो सेंटर है, दिस इज योर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों के बीच में, सेंटर में आपको, अगर इफ यू हैव टेकन 5 सेंटीमीटर लिया है तो 2.5 सेंटीमीटर में आपका फोकस होगा, यहां पर इज योर फोकस, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, और वी कैन से बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो सपोज वी हैव टेकन वन ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहां से आपको रे छोड़नी है कहां पर, कर्वेचर के ऊपर। तो आपका रे विल कम लाइक दिस, स्ट्रेट आएगी, यहां पर आने के बाद दिस इज योर आई, इंसिडेंट रे। यहां पर आने के बाद इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, तो दिस इज योर व्हाट, कन्वर्जिंग। तो अगर ये कन्वर्जिंग है तो इट विल कम एट सिंगल पॉइंट ओनली, कहीं से भी, दूर से, पास से, कहीं से भी आएगा तो इट विल बी अ सिंगल पॉइंट ओनली, दैट इज योर फोकस। तो ये आपका कहां पर होगा, यहां पर। तो दिस रे इज योर रिफ्लेक्टेड रे, आर, स्मॉल आर। आपको अब क्या करना है, सेकेंड रे बनानी है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ऑलवेज, हर एक कंडीशन में, एक्सेप्ट फर्स्ट वाले में छोड़ के। तो हमने क्या किया, यहां से एक रे बनाई, और ये रे आपका यहां पर ही वापिस जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, आपका जाएगा और उसी से वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिस, यहां पर आपको क्या करना है, एक एरो ऐसे शो करना है, एक एरो ऐसे शो करना है। तो दिस पॉइंट, यहां से एक परपेंडिकुलर एरो बनाओ, और जहां पर ये मीट कर रहा है वहां पर हमने क्या किया, अगेन यहां पर एक एरो बनाया, यहां पर ऊपर बनाया था, यहां पर नीचे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, आपका सेम साइड में है, दैट मीन्स इट्स अ रियल इमेज। तो इमेज
कैसी है हमारी रियल, और कैसी है देखो यहां पर एरो टॉप में है, यहां पर कहां पर है नीचे की तरफ, दैट मीन्स इनवर्टेड। ठीक है, और कहां पर है देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, तो वी कैन से बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस के बीच में है। और कैसे देखो ये कितना बड़ा है, ये क्या हो गया छोटा हो गया, तो वी कैन से इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेकेंड रे बनानी है अगर आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी और ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको ये रे डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है।